किसानों से, किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को किसानों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है, इसमें किसानों की बेशुमार जमीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है, ये एक मुद्दा है। आईटीआई राजकीय आईटीआई अरिंटीनगंज में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी, राजकीय औद्योगिक आईटीआई, इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे बेच दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप था वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया है रद्द किया जाए। हमारे धरने में मुद्दा ये भी है कि मिथिला में 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है, जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा, हम जब चुनाव जीते सरकार पर दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिछला का वो 100 सैया का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं न दवाएं हैं, तो यहाँ तक कि 2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सरकार की लापरवाही कहाँ की लड़कियाँ पड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर के ये और 7 तारीख को ऐलान किया गया है कि अगर इस पर पाबंदी न पाई गई तो 7 तारीख को दिन मंगल को हम बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे और खेती बचाओ शांत बताओ, खेती बचाओ शांत बताओ का नारा पूरे क्षेत्र में गुंजायमान रहेगा और सरकार को मजबूर करिए कि हमारी खेती को बचावे, किसानों को हटावे और नहीं तो सरकार को हटाया जाए।